और भाई आपको सीधे लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। योर रॉयल हाइनेस, आपके नेतृत्व में और आपके विजन 2030 के माध्यम से सऊदी अरब जिस तेजी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सऊदी अरब में रहने वाली भारतीयों के हितों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर हिज रॉयल हाइनेस और आप सभी का G20 समिट की सफलता में योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अब आपको अपने ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूं। شكرا فخامة الرئيس على الترحيب الحار لي وللوفد السعودي في الهند. الهند بلد صديق، علاقات تاريخية وطويلة جدا Between Saudi Arabia also and India, beneficial relations for both countries. There was no disagreement at all during the history of this relationship, but there is cooperation to build the future of our country and create opportunities. Today we're working on the future opportunities. There is a huge agenda to be working with. We are working through this council to achieve these accomplishments, and these are promising. And I congratulate you on the management of the G20 summit and the initiatives achieved, including the economic corridor linking the Middle East, India and Europe, which require that we work diligently in order to create it into a reality. Indians in Saudi Arabia had a large part in the economic growth of Saudi Arabia. Today they are 7% of the population of Saudi Arabia, and we consider them to be a part of Saudi Arabia. We watch and take care of them like we take care of our own citizens. We hope that this council will meet the aspiration. देखिए, bilateral meeting और सऊदी अरब और भारत की दोस्ती कैसे और आगे मजबूत होगी उसको लेकर इसमें बातचीत हुई है, और क्या कुछ हमारे पास जानकारी इससे जुड़ी हुई है, इस मीटिंग से जुड़ी हुई, इसके लिए सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, और क्या अपडेट है इस पर? देखिए, प्रधानमंत्री ने तो खुद ही कह दिया है कि सऊदी अरब और भारत के रिश्ते कितने अहम हैं, और अभी आप सुन रही थी कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत को G20 की अध्यक्षता के लिए धन्यवाद दे रहे थे, प्रेस कर रहे थे, और साथ में उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जो प्रधानमंत्री ने भी जिस बारे में कहा कि जो पार्टनरशिप स्ट्रैटेजिक काउंसिल बनाया है भारत और सऊदी अरब ने मिलकर के, उसके तहत देखिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेड और इन सारे मामलों में भारत और सऊदी अरब के रिश्ते आगे बढ़ने हैं। उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई है उसकी मिनट्स के आज औपचारिक तौर पर साइनिंग सेरेमनी दोनों देशों के बीच में हो रही है, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच में। तो ये रिश्ता बड़ा मजबूत है, मिडिल ईस्ट का इतना पावरफुल नेशन है, और अभी आप देखें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस उस हाईली इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण परसों शाम को जो बाइडेन, सऊदी क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर ने एक साथ बैठ करके ऐलान किया था, जिस शिपिंग एंड रेल इंटरनेशनल कॉरिडोर की वो बात कर रहे थे, वो बेहद महत्वाकांक्षी कॉरिडोर इन देशों ने मिलकर के भारत मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोप तक का बनाने का जो की शुरुआत की है, इसकी घोषणा की है, ये एक बड़ा फार फेचिंग प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो इन सभी मामलों को लेकर के दोनों ही नेताओं ने अपनी तरफ से इस बैठक के बाद गर्मजोशी का इजहार किया है, और ये दिखाता है कि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते कितने गहरे रहे हैं। इससे पहले 2019 में जहाँ तक मुझे याद है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने भारत का दौरा किया था, और अभी हाल में जून के महीने में दोनों के बीच में टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी हुई थी जब चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के बीच में समझौता करा दिया था। तो निश्चित तौर पर चाइना को भी इस क्षेत्र में काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत और सऊदी अरब के ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पहले भी कह रहा था शिरीन आपसे कि सिर्फ भारत और अमेरिका की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वैल्यूड नहीं है, भारत और सऊदी अरेबिया की जो ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जिसको अब की एक काउंसिल का रूप दिया गया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। लिहाजा
लिहाजा इन दोनों की आज जो द्विपक्षीय मुलाकात हुई ये स्टेट विजिट पर हैं, G20 में शामिल हुए और उसके बाद ये स्टेट विजिट कंटिन्यू किया उन्होंने। आज शाम को हालांकि वो वापस चले जाएंगे, लेकिन हर लिहाज से डिप्लोमेटिकली अगर हम कहें तो भारत और सऊदी अरबिया के और करीब आने को देखते हुए ये मुलाकात काफ़ी अहम है। बिल्कुल, ये मुलाकात काफ़ी अहम है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।